हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यस बैंक के वीडियो में। और यस बैंक मंडे को क्या खेल खेलने वाला है, तो उसके दोस्तों उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको पहले मैं यहाँ पे जानकारी दी, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको मैंने जानकारी दी थी कि ये जो कैंडल्स बनी है मदर्स कैंडल, इतनी बड़ी जो कैंडल्स बनी है, और आपको मैंने यहाँ जानकारी दी थी कि यहाँ पर इस ब्रेकआउट, इसका जो ब्रेकआउट होगा 26.70 का, जैसे ब्रेकआउट होगा एक मदर्स कैंडल आपको वापस से बनती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे बनी भी आप देख सकते हैं। इससे भी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये 25 से 30 की बनी थी, और ये देख सकते हैं ये 25 रुपये से लेकर लगभग लगभग 31.5 रुपये की ये कैंडल ये बनी थी। यानी कुल मिला के बात कहें तो दो खंभे यहाँ पे खड़े हुए थे, खड़े हो गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बीच में, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे इसके बीच में ट्रेड कर रही है। और ये पिछली जो मदर्स कैंडल जो बनी थी, तो ये पिछली मदर्स कैंडल बनने के बाद में मार्केट उस मदर्स कैंडल को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, जब बल्कि मदर्स कैंडल का लास्ट जो लास्ट लो है वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर बाउंस पे यहाँ पे दिखाया। इस बार मार्केट देख सकते हैं ये मदर्स जो कैंडल यहाँ पर बनी है, इस ये मदर्स कैंडल, दोनों मदर्स कैंडल बनी है, इस बार भी मार्केट इस मदर्स कैंडल के अंदर अंदर ही देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं मार्केट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड कर रहा है, और यानी कि इसका जो नीचे का अगर मैं लो की बात करूँ, पूरा सपोर्ट की बात करूँ, 25 रुपये का इसका जो सपोर्ट है, यानी कि अपन कह सकते हैं 24.90 का एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि दो यहाँ पर जो खंभे खड़े हुए हैं वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी इस मदर्स कैंडल का ये लो और इस मदर्स कैंडल का पास वाली जो पिछली जो कैंडल्स थी, जो रोजी फ्लाई कैंडल ये लो, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल दो खंभों की तरह काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, उसके पश्चात देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बन रही है, और आप देख सकते हैं वापस से छोटी कैंडल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे यस बैंक का दोस्तों जो यहाँ पे तो कोई रणनीति जो साफ ये झलक रही है यस बैंक के नीचे, जो ये अपने आप को स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये ऊपर उठता है, तो ये एक रॉकेट की तरह ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है, कि मदर मदर कैंडल के साथ अचानक से आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट आया देख सकते हैं, तो रिजल्ट आते ही देख सकते हैं इसका टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट हुआ, भागा। और मैंने आपको बताया अभी तक रिजल्ट का जो इसका जो इफेक्ट था वो यस बैंक का जो लेगा वो लगभग पॉजिटिव लेने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी नेगेटिव काफ़ी रिजल्ट खराब आए थे, 18,500 करोड़ का काटा हुआ था, लेकिन यस बैंक ने रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, बल्कि 90 रुपये की रैली यहाँ पे दिखाई थी। और इस बार मैंने कहा था कि यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट इतने खराब नहीं है, बल्कि पॉजिटिव आए हैं रिजल्ट, 2,500 करोड़ का फायदा, तो यस बैंक इसको पॉजिटिव लेगा और अब साइड में आपको मूव दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसने दिखाया भी। चलिए सारी बातें हो गई है, अब यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक यहाँ पे क्या टारगेट दिखाने वाला है उस पर अपनी दोस्तों आपको मैं जानकारी दे दूँ। और उसके पहले आपको मैं यहाँ पे आज के जो काम है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो भी सदन यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों इंटरेस्टेड जुड़ने के लिए, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एस एस मार्केट न्यूज, और दोस्तों आप भी पा सकते हैं विद प्रॉफिटेबल कॉल्स पूरे मंथ दोस्तों फ्री में। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ या जो आज के कॉल्स की, तो स्थान पर मार्केट टारगेट आए हैं, और अभी आपको देख लेते हैं कौन कौन से टारगेट है, थोड़ा सा वेट करिए, टू डे में निकाल लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आज के यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आज के यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, और आज के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर पे, लीकोल टाटा मोटर, इसके ओल्ड टारगेट सक्सेसफुल सेल की कॉल दी गई थी, ठीक है, सेल की कॉल दी गई थी, और मेरे कमेंट भी आए थे एक दो बंदों के, सर आप सेल की कॉल कभी देते नहीं है, कि देखो सेल की कॉल देते हैं, ब्रेकआउट के देते हैं सेल की कॉल, अधिकतर क्या है मार्केट का क्या, अभी जो मूवमेंट है मार्केट काफ़ी टूटा हुआ है, ठीक है, तो मार्केट क्या जो अचानक से ब्रेकआउट बाई की तरफ लेता है, तो बाई की कॉल ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो सेल की कॉल, ऐसे नहीं है कि सेल की कॉल बनती नहीं तो देते नहीं, देखो सेल की कॉल या टाटा मोटर की बनी, मार्केट प्लस में था, लेकिन देख सकते हैं टाटा मोटर के तीनों टारगेट आपको सेल को यहाँ पे देखने मिले, बैंक निफ्टी देख सकते पूरा प्लस में था, लेकिन आरबीएल बैंक के आपको तीनों टारगेट को पार करके सेल में तीनों टारगेट को पार करके उस पर भी काफ़ी नीचे 120 को भी ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे रिलायंस का देख सकते बाई में, देखो यहाँ पे आज बाई सेल सारा रिलायंस मैंने आपको ये दिया था 1200 था, और 1582 के आसपास टारगेट रखा था, 1580 इसने पूरा टच किया है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट आपको देखने को मिला। सन फार्मा देख सकते हैं पूरा टारगेट 100% सक्सेस, मार्केट देख सकते हैं लास्ट तक मार्केट टूटा है, मार्केट पूरा बैंक निफ्टी माइनस में आ गया, लेकिन सन फार्मा देख सकते हैं आपको 469+ 470+ के टारगेट यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ पे टारगेट आपको सक्सेसफुल देखने को मिले हैं। यानी कि आज यहाँ पे देखें एक्सिस बैंक का जरूर आपको स्टॉप लॉस देखने को मिला है, बाकी और कोई स्टॉप लॉस आपको देखने को नहीं मिला, एक्सिस बैंक का ये वाला आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे टारगेट आप ये आईसीआईसीआई बैंक ये कॉल आपको रिजेक्ट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे ये 347.30 को इसने टेस्ट किया था, इसके नीचे ब्रेक नहीं किया था। उसके पश्चात यहाँ पे HDFC बैंक की ये कॉल देख सकते हैं आपको 100% टारगेट सक्सेसफुल देखने को मिले हैं, और ये देख सकते हैं इंडसइंड बैंक ने दोनों तरफ यहाँ पे सेल की कॉल दी तो टारगेट 100% सक्सेसफुल आपको देखने को मिले हैं, और उसके पश्चात इंडसइंड बैंक की आपको मैंने बाय की कॉल दी है, ये देख सकते हैं इंडसइंड बैंक की बाय की कॉल आपको मैं दिखा देता हूँ फटाफट, वन मिनट, ये एक्सिस बैंक की ये वाली कॉल थी, ये वाली कॉल आपकी फेल हुई है,
और ये देख सकते हैं इंडस बैंक की कॉल, ये आपको फिर से देख सकते हैं मैंने बाइक की कॉल दी थी तो आपको ये देख 363 दी, तो 366 तो 368 370 तक भी इसने पूरा टच किया है। यहाँ भी 100% आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये दोस्तों आज की कहानी थी, यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पे बिग प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। यानी कि आज देखें तो एक्सिस बैंक की अपनी कॉल चल नहीं पाई, बाकी किसी भी कॉल्स को उठा के देख लीजिए इंडस्ट्री बैंक की दोनों तरफ प्रॉफिट आपको देखने को मिला। टाटा मोटर्स का प्रॉफिट सेल में देखने को मिला और रिसान प्रभा का बाई में प्रॉफिट देखने को मिला, रिलायंस का बाई में प्रॉफिट देखने को मिला है, आरबीएल बैंक का सेल में प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इनके ओवरऑल आपको वेरी बिग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए दोस्तों मैं यस बैंक के अब मंडे के टारगेट यहाँ पे रख देता हूँ। तो जो भी सजन यहाँ पे इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है मात्र, आप अपने ब्रोकर को डेली का जो ब्रोकर चार्ज देते हैं उसमें एक दिन का ब्रोकर चार्ज ऐसे मार्केट न्यूज की गाइडलाइंस है और उसमें भी 50% का भारी डिस्काउंट लॉकडाउन की वजह से दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये यस बैंक का टेक्निकल चार्ट मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे जो वनडे के टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मैं आपको मैं अलग रणनीति बता देता हूँ कि यस बैंक ध्यान देंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे वनडे के टेक्निकल चार्ट में जो क्या रंग ला रहा है वो आपको मैं पहले इसकी पूरी जानकारी दे दूँ। देखो वनडे के टेक्निकल चार्ट में यस बैंक जो बता रहा है यहाँ पे कि 29 को ब्रेक करने के बाद भी यस बैंक जो सपोर्ट ले वो जो रेजिस्टेंस लेगा वो लेगा वापस से 30.20 और 31.55 के बीच में जाके एक रेजिस्टेंस लेगा, वो ब्रेक करने के बाद भी अपसाइड की दिशा दिखाएगा। लेकिन इंट्राडे अपन जरूरी, क्योंकि वनडे आपको पता ही कभी कभार मूव करता है, फिर मूव करता है तो एक ही दिन में ऊपर निकल जाता है। लेकिन अपन इंट्राडे यहाँ पे डेली बेसिस पे करते रहते हैं तो इंट्राडे के टारगेट यहाँ पे जरूरी है। थोड़ा सा बने रहिए, इंट्राडे का मैं टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देख लेता हूँ। थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंट्राडे में अगर ये 27.55 को ब्रेक करता, ध्यान देंगे 27.55 को यस बैंक ब्रेक करता तो यस बैंक दोस्तों आपको फटाफट ही 28.55 उसके पश्चात आपको मैंने बताया दिया कि 29 रुपये और 30 रुपये तक ये टारगेट दिखाएगा। अगर ये नीचे की साइड में दोस्तों 26 पॉइंट, ध्यान देंगे 26.50 को नीचे अगर यस बैंक ब्रेक करता है तो यस बैंक दोस्तों आपको जो मैंने नीचे सपोर्ट बताया था कि 26 रुपये और 25.50 के बीच में जाके वहाँ से एक आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जो कि बड़ी फास्ट की दिशा आपको ऊपर की दिशा ये दिखा सकता है। कि दोस्तों यस बैंक की दोनों रेंज में आपको बता दी है और अपसाइड में अगर 30.20 के ऊपर इसकी क्लोजिंग जो आती है कामयाबी टिकता है या मैं पूरा इसको फाइनली अगर मैं क्लोजिंग के हुआ जो वनडे के जो चार्ट इसने बना लिया है कि 30.20 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग टिक जाती है तो यस बैंक वापस से फिर से आपको बूम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि इसकी क्लोजिंग 30.20 के ऊपर आए तब यस बैंक वापस आगे की जो चाल होगी इसमें पोजिशन लिए चाल होगी बहुत फास्ट गति से आपको वापस से 40-50-70-80 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में फिलहाल आपको यहाँ पे वेटन होगा कि नीचे अगर ये 26.50 को ब्रेक करेगा तो नीचे जाने की संभावना रहेगी और अप साइड में 27.55 को ब्रेक करती है दोस्तों अप साइड में ये भागने के लिए तैयार रहने की पॉसिबिलिटी है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।